ये है इस छोटा सा बॉक्स में, है मेरा सबसे फेवरेट चीज़। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो दिन का शुरुआत मेरी चाय से हो गई है, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। सुबह सुबह ना उठ कर थोड़ा नेचर के साथ खड़े होने या बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे, मेरा एक छोटा सा बालकनी है, यहाँ पे मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाती हूँ तो मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है। मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो सुबह उठ कर चाय और ये जो भुजिया होता है ना सेब का, वही खा रहे हैं। जो मिट्टी का बर्तन हमने खरीद के लाए थे उसको ना हम पानी में डुबा के रखे थे एक दिन, तो आज उसको निकाल कर रखेंगे उसको। ऊपर हमारा चूल्हा है, जो नया वाला चूल्हा हम मिट्टी का बनाए थे वो ऊपर है, तो उसको भी ऊपर ही लेके जा रहे हैं। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप की डर से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जा। नहीं वो नहीं। उठ जा। नहीं। 9 बज गया। 9 बज। जीवन देखे जीवन। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नहा के हमारा उड़ीसा के पखाल की रेसिपी और पखाल के साथ आलू के चोखा और साग खा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो ब्लॉग तो शुरू हो गया है और यहाँ पे मेरा पूजा भी हो गया, देखो पूजा भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो खाना भी आधा अधूरा हो के बन गया है क्योंकि टाइम हो गया है 12:30। मैं आधा खाना बना के इसके बाद ही नहा के पूजा कर लेती हूँ। तो क्या क्या बना है चलो दिखाती हूँ और एक रेसिपी भी आज शेयर करूँगी। तो चलिए, तो यहाँ पे देखो दाल बन गया,
यहाँ पे जो मिट्टी का आलू जो इसे क्या हिंदी में बोलते हैं पता नहीं, इसका भी मैंने भाजी बनाया देखो फ्राई करके। तो यहाँ पे हमारा चावल बन गया। तो और फिर मैं यहाँ पे आज बनाऊंगी आपके आलू के साथ शेयर करूंगी, ये जो ग्वानफली होता है ना, ग्वानफली और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने दही जमा के रखा है देखो, तो इसका रेसिपी आज मैं बना के दिखाऊंगी। तो चलिए, ये रहा गोल्डी। गोल्डी हाय कर दो। हाय, मैंने पढ़ाई खत्म करके लैपटॉप देख रहा हूँ। ये देखो उसका लैपटॉप, वो लैपटॉप में देखो पेपर बिग देख रही है। तो चलो हम खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कैमरा को सेट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को रेसिपी दिखाऊंगी ना, इसलिए। तो देख रही हूँ लाइट ठीक से आ रहा है या नहीं। तो देखो ये है सरसों, जीरा, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बनाई इस तरह से। फाइन सा पेस्ट बना लेंगे पहले, फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए पहले हम तेल गरम करके, तेल गरम होने के बाद सरसों डाल दें, फिर प्याज को चॉप करके डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम जो सब्जी काट के रखे थे उसको भी डाल देंगे और उसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर हम हल्दी नमक भी डाल देंगे उसमें। इसके बाद हम जो पेस्ट बना के रखे थे उसको डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे बॉयल होने के लिए। कवर होने के बाद 4 से 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे और देखेंगे हमारा पानी ड्राई हो जाएगा और उसका फिर से बिना कवर के 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे और हमारा ग्वानफली का ये सब्जी रेडी हो गया। देखिए ये है शक्करकंद, इसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी, लेकिन इसका रेसिपी मैं मेरे दूसरे चैनल पे शेयर करूँगी। और मेरा दूसरे चैनल है दीप्तिस कर्नर फिल्म चैनल है, आप लोग इस चैनल पे इसका रेसिपी ज़रूर देखिए। बनाया नहीं, आज शाम को शायद इसको मैं बनाऊँगी, तो ज़रूर दूसरे चैनल में देखेंगे दीप्तिस कर्नर। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं उड़िया की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो देखना जरूर। थोड़ा बाहर का नजारा देखिए, हाय फ्रेंड्स। तो हमारा सारे काम ख़त्म हो गया है, हमारा लंच भी ख़त्म हो गया है, मैं भी खाना खा चुकी हूँ। तो आप लोगों को मेरा वो जो ग्वार का रेसिपी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दिखा रही हूँ मीशो से कुछ मंगवाई थी,
और वो आज आ गई, आ गया। हिंदी में प्रॉब्लम है तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, ये है इस छोटा सा बॉक्स में है मेरा सबसे फेवरेट चीज़। तो अब गेस कीजिए क्या होगा इसके अंदर। सबका पसंद है, मतलब सब लड़कियों का पसंद है इयररिंग्स। मेरा इयररिंग्स में बहुत ही वीकनेस है, तो मैंने इस इयररिंग्स बहुत बार देखी लेकिन मंगवाई नहीं थी, लेकिन लास्ट में फाइनली मैंने इसको मंगवा दिया और मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा है, ये बहुत ही अच्छा पसंद है। तो चलो देखते हैं। अच्छा लगा ना, बहुत ही खूबसूरत है और इसको पहनने से भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखो, ये वाला देखो, ऐसे पीछे से दिखा रहे हैं, ऐसे हिल भी रहा है सब, और पहनने से भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अच्छा लगे ना, इसका प्राइस शायद 100 समथिंग है। प्राइस में भी बहुत ही ठीक है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। देखो अगर आप लोग मेरा इयररिंग्स कलेक्शन देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर। अगर 10 से 15 कमेंट अगर इयररिंग्स कलेक्शन के सपोर्ट में आ जाएगा तो मैं इसका भी एक वीडियो बना दूँगी। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी अपना काम कीजिए, लंच वंच खाइए और रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उड़ीसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो लोग अगर मेरे उड़िया सब्सक्राइबर अगर होंगे तो उनको तो पता होगा ये रेसिपी, लेकिन जो नॉन उड़िया है उनको ज़रूर कुछ सीखेंगे मेरी रेसिपी से। और उड़िया की चाली चलन ये सब भी थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रही हूँ। तो आगे आगे भी वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहले पहुँच जाएगा। तो चलो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर लीजिए। और चलो आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, बोलिए बाय कर दिया, बोलिए बाय कर दिया, बाय 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 बाय, धन्यवाद। एक दांत नहीं है उसका।